हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस पर। रेलवे की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जिसमें टीटी की वैकेंसी के बारे में, साथ ही कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको अलग अलग वैकेंसी के बारे में दी गई है। तो इस वीडियो में बेसिकली वो पूरा नोटिस या सर्कुलर आप कह सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ से निकलती हैं और क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में चेंज होने वाली है इन वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। मेक श्योर कि ये वीडियो आप एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट बहुत छोटे से वीडियो हमारे चैनल पर दी जाती है। तो स्क्रीन पर आप लोग नोटिस देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। सबसे पहले डेट आप लोग देख लीजिए, 28/6/2023 की डेट है। तो पुराना नोटिस नहीं है, बिल्कुल नया नोटिस है। ये आप कह सकते हैं सर्कुलर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सभी जोनल रेलवे और पीयूस को लिखा गया है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ यानी कि टीसी, कमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क यानी कि ईसीआरसी, कंटिन्यूएंस ऑफ इनटेक ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस। देखो, आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर टीटी की वैकेंसी पिछले 7-8 सालों से नहीं आई है। आई थिंक लास्ट टीटी की वैकेंसी 2015 में आई थी, तो उसका कारण आपको मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं आई है। देखो, 2019 में ना जो आपका टिकट चेकिंग स्टाफ है, जितना भी आपका टिकट चेकिंग स्टाफ है, इसमें जैसे आपके टीटी होते हैं, ट्रेन टिकट जो है एग्जामिनर, या आपके टीसी होते हैं, ठीक है ना, टिकट कलेक्टर जिनको शायद बोला जाता है, तो ये जो 2-3 पोस्ट थी इनको मर्ज कर दिया गया था, इसलिए सेपरेटली आपको पिछले 7-8 साल में टीटी की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। अभी फ्यूचर में क्या होगा उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे, फ्यूचर में हो सकता है अलग से आ जाए या ना भी आए, लेकिन अभी तक जो रूल है ये 2019 में इसको मर्ज किया गया था इन सारी वैकेंसीज को, और वही चीज़ें यहाँ पर इस नोटिस में भी बताई गई हैं। देखो, मैं आपको एक बार इसको पढ़ के अच्छे से समझाऊंगा, तब आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एज रेलवे आर अवेयर कॉन्सिक्वेंट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द 7th CPC, रेलवे बोर्ड हैज इशू ऑर्डर वाइड लेटर नंबर दिस डेटेड 22/2/2018, ठीक है। तो 22/2/2018 को एक लेटर जारी किया गया था, लेटर नंबर भी इन्होंने बताया, रिगार्डिंग मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ, ठीक है। सॉरी, मैंने 2019 आपको बताया, 2018 में मर्ज हुए थे ये, ठीक है। टिकट चेकिंग स्टाफ, कमर्शियल स्टाफ एंड ECRC स्टाफ, यानी कि इन तीनों को मर्ज कर दिया गया था एक ही उसमें, कह सकते हैं कि आप एक ही पोस्ट में इसको मर्ज करके रख दिया गया था। पहले अलग से वैकेंसी आती थी टीटी की। अब आगे इन्होंने क्या बोला है, आगे बोला है द मैटर वाज फर्दर रिव्यू बाय द बोर्ड एंड द मेथोडोलॉजी फॉर इंप्लीमेंटिंग द मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ। देखो, टीसी की बात हो रही है, कमर्शियल क्लर्क सीसी एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क हैव बीन इशू वाइड लेटर नंबर दिस 2019 में, फिर से इसको रिव्यू किया गया था और इसको कंटिन्यू किया गया था कि ये मर्जर ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। आगे बोला गया है द मैटर रिगार्डिंग कॉन्टिन्यूशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इनटेक ऑफ कमर्शियल अप्रेंटिस इंस्पेक्टर हैज बीन एग्जामिन्ड इन द कंसल्टेशन विद द कमर्शियल डायरेक्टरेट एंड द टू रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन AIRF यानी कि ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन और NFIR, एंड इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द कमर्शियल इंस्पेक्टर कैटेगरी में बी मर्ज विद द चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर। देखो, पहली चीज तो यहां से क्या निकलती है कि जो ये आपका टिकट चेकिंग वाला स्टाफ है ये मर्जर में ही कंटिन्यू रहेगा, आगे भी ये मर्ज ही रहेंगी पोस्ट। दूसरा यहां पे अपडेट क्या है, दूसरा अपडेट यह है कि कमर्शियल अप्रेंटिस वाली जो आपकी पोस्ट होती है जिसको कमर्शियल इंस्पेक्टर भी बोला जाता है, उसको मर्ज किया जाएगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के साथ, यानी कि यहाँ पे फिर से दो पोस्ट मर्ज हो रही हैं और ये मर्ज होने के बाद इनकी वैकेंसी आएगी। आगे इन्होंने ये भी बताया कि वैकेंसी किस तरह से आएगी, इट हैज फर्दर बीन डिसाइडेड दैट द पोस्ट इन लेवल 5 विल बी फिल्ड एंटायरली बाय प्रमोशन। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है, लेवल 5 की जो एक पोस्ट है आपकी सीनियर CCTC वाली, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क वाली, ठीक है, ये लेवल 5 में आती है। NTPC में इसकी पोस्ट भी थी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की, उसी पोस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। तो लेवल 5 में ये जो पोस्ट है इसको एंटायरली प्रमोशन से ही भरा जाएगा, यानी कि फ्यूचर में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि ओपन मार्केट में इस पोस्ट की वैकेंसी अब नहीं आएगी। बाकी इन्होंने बोला है 15% वैकेंसी ऑफ चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर इन लेवल 6 विल बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि 15% जो है ये कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की जो पोस्ट है जो लेवल 6 में आती है ये आपकी ओपन मार्केट से भरी जाएगी, 10% LDC से भरी जाएगी और 75% प्रमोशन से भरी जाएगी। तो थोड़ा सा यहां पे आप कह सकते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए ओपन मार्केट के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि उनकी यहां पे एक तो ये लेवल 5 में ये वाली पोस्ट डायरेक्ट कोटे में नहीं आएगी और बाकी सिर्फ 15% आएगी ये वाली जो लेवल 6 की आपकी कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली जो पोस्ट है, ठीक है। तो यहां से अभी तक इस लेटर से क्या क्या निकला, पहला तो ये निकला कि भाई जो टीटी की वैकेंसी है वो क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ये पोस्ट पहले से ही मर्ज है और मर्ज होने के कारण बाकी जो है प्रमोशन
प्रमोशन कोटे से इस पोस्ट का काम चलाया जा रहा है। फ्यूचर में हो सकता है कि ये ओपन मार्केट में भी आपको देखने को मिले, लेकिन अभी तक वैकेंसी इस कारण से नहीं आई। दूसरा यहाँ पे अपडेट निकलता है कि जो सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है उसमें फ्यूचर में वैकेंसी नहीं आएगी, क्योंकि वो प्रमोशन कोटे से डायरेक्ट भरी जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं नीचे। यहाँ पे इन्होंने जो है एक ये डॉक्यूमेंट इसके साथ दिया है, ये वाला। यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझना यहाँ पे ध्यान से, सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये आपकी एनटीपीसी में वैकेंसी आई थी उसकी बात हो रही है। सबसे पहले तो इसको 1900 ग्रेड पे से बढ़ाकर 2000 ग्रेड पे में कर दिया गया है, अच्छी खबर है। ग्रेड पे बढ़ेगा तो सैलरी बढ़ेगी। दूसरा यहाँ पे क्या है कि देखो 50% जो इसकी वैकेंसी आई है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से आएगी, यानी कि ओपन मार्केट में आएगी, और उसके अलावा जो है आपकी एलडीसी से आएगी, बाकी जो बचेंगी या फिर प्रमोशन कोटे के द्वारा भरी जाएंगी, ठीक है। लेवल 3 में इसको जो है कर दिया गया है, ये पहले लेवल 2 में होती थी। और आगे इन्होंने बताया क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में, आप देख सकते हैं 12+2 जो वगैरह है वो उसमें मांगी गई, ये काम की चीज़ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बढ़ते हैं। अब दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा आप लोग देख लीजिए, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसी पोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अब इस पे नॉन सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन इस पे नहीं होगा, 100% ये आपका प्रमोशन कोटे से भरी जाएगी। लेवल 5 में आपकी ये पोस्ट आती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे है। तीसरा अपडेट देखो, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, ये लेवल 6 की पोस्ट है, ये आपकी रिक्रूटमेंट कोटा से भरी जाएगी, 75% तो प्रमोशन कोटे से और 15% आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा यानी कि ओपन वैकेंसी से और 10% एलडीसी से। और लास्ट में है कमर्शियल सुपरिटेंडेंट, ये भी आपकी पोस्ट डायरेक्ट नहीं आएगी, लेवल 7 में पोस्ट आती है, ये भी डायरेक्ट प्रमोशन कोटे से भरी जाएगी। तो ये इस लेटर में बताया गया है, मैंने आपको जितना हो सकता था सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। फिर से एक बार जो है हाईलाइट कर देता हूँ चीज़ों को। एक तो टीटी वगैरह की जो वैकेंसी है वो मर्ज होने के कारण अलग से नहीं आ रही है, फ्यूचर में आए या ना आए वो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी तक क्यों नहीं आए वो आपको पता लगा। दूसरा, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं आएगी, कमर्शियल सुपरिटेंडेंट की ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं आएगी, ये प्रमोशन कोटे से ही भरी जाएगी। बाकी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की जो पोस्ट है उसको 1900 से 2000 ग्रेड पे में कर दिया गया है, और ये आपका जो है 50% डायरेक्ट कोटा से आएगी। तो ये नोटिस जो है इतनी सारी बातें यहां पे कहता था, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ये जो लेटर है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड करके हिंदी में ट्रांसलेट करके और अच्छे से रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।